अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आई हूँ विंटर की शॉपिंग करने। क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है, तो जिन लड़कियों को मेरी तरह शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलें चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ, और आप लोगों के साथ में यहाँ का जो मॉल है वो भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मॉल के अंदर कैफ़े कैफ़े बना हुआ है, छोटा सा खाने पीने का इन्होंने एरिया बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शॉपिंग के साथ साथ जो है वो खाना पीना भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी भी कुछ हॉबी ऐसे ही है, साथ साथ शॉपिंग और साथ साथ खाना पीना, लेकिन बस शर्त ये होनी चाहिए कि खाना हलाल हो। तो चलें अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही खाना पीना दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी हलाल नहीं है, इसलिए जो है मैं टेस्ट नहीं कर रही, जस्ट आप लोगों को जो है दिखा रही हूँ। यहाँ के मॉल में जो है ऐसे खाना पीना भी आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ, और आज जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, मॉल का तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं ये कहाँ है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है लोकेशन शेयर कर देती हूँ। ये ईस्ट में है, ऑकलैंड ईस्ट में है, और इस मॉल का जो नाम है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना सिल्विया पार्क में, वो भी मॉल है बहुत बड़ा है वहाँ के, आप लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो शेयर की हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मैं उनको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैंने सिल्विया पार्क की जो है वीडियोस व्लॉग जो हैं शेयर की हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने जो है मेरा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है। तो देखें ये रहे विंटर की स्वेटर्स, तो यहाँ पर मैं स्वेटर्स देखने के लिए आई हूँ, और काफ़ी जो भी मुझे पसंद आया ले लूँगी, लेकिन अभी देखते हैं, ठीक है। साथ साथ में मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वैरायटी लगी हुई थी स्वेटर्स की। तो अभी तो जब कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही दुकान से नहीं देखना चाहिए, अभी तो सिर्फ मैं अभी देख रही हूँ, और जहाँ से मुझे ज़्यादा पसंद आएगा मैंने वहाँ से लेनी है। लेकिन मुझे ये वाली स्वेटर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है यही सोचा कि नहीं, पहले जो है मुझे और एक दो शॉप्स में देखनी चाहिए और फिर मुझे जो है ना लेनी चाहिए। ये वाली स्वेटर बहुत प्यारी थी, ग्रे कलर में थी। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ में ये कौन सा कलर आ रहा है कैमरे में, तो अभी बस मैंने देख लिया। तो अब चलते हैं एक और शॉप पे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को वो शॉप के अंदर आ गई थी, इसलिए जो है ना यहाँ की लोकेशन बताना भूल गई। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ना आप लोगों को यहाँ की लोकेशन बता दूँ कि मैं हूँ कौन से मॉल में। अच्छा, ये ऑकलैंड में ईस्ट में मॉल है, और इसका जो नाम है वो है न्यू लेन है, ठीक है। मॉल का नाम है न्यू लेन। तो वहाँ पे मैं अभी जो आई हुई हूँ, और यहाँ पे जो है मैं अपनी विंटर की शॉपिंग करने आई हूँ, लेकिन और मुझे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी शेयर करती हूँ। देखें कितनी खूबसूरत है। तो अभी जो है पहले स्वेटर और गर्म चीज़ों की तरफ जाके ध्यान देते हैं, और उसके बाद में हम इधर ज्वेलरी वाली साइड पे भी आएंगे, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को तो पता ही है कि लड़कियों का तो बस कहीं पे भी ज्वेलरी देख लेती हैं तो बस कहती हैं कि बस ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन होती इतनी खूबसूरत है क्या करें, लड़कियां बेचारी भी। तो यहाँ पे देखें कितनी प्यारी वॉच है, लड़कों की लड़कियों की। अभी तो लड़कों का भी दिल कर रहा होगा कि ये वाली वॉच आई विश के मेरे पास होती, ऐसे ही है ना। अभी झूठ नहीं बोलना, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत वॉच थी, अगर आप लोगों को देखनी हुई ना तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा जाके आप लोगों के लिए देखूँगी और आप लोगों को बताऊंगी, मतलब देखूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी, लेना आपने खुद है, ठीक है। तो साथ साथ जो है मैं आप लोगों को मॉल भी दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत मॉल है और नीट एंड क्लीन कितना है। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। और देखें ये कितने खूबसूरत लग रहा था, आर्टिफिशियल है पर ये कितना प्यारा लग रहा था ना रेड फ्लावर। तो मैंने कहा मैं अपने अच्छे वाले व्यूवर्स को दिखाती हूँ, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं ये उनके लिए, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके लिए बहुत सारा जो है ना
क्या मैं बोलूँ, आप कुछ भी नहीं, बहुत ज़रा गुस्सा ही बोल सकते हैं कि गुस्सा है। प्लीज़ ऐसे ना किया करें। आप चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मस्ट लाइक कमेंट शेयर करना है और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।